मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। चार से पांच अंडे लीजिएगा, इतनी सारी सब्जी है इसके लिए। दिस इज डन। अच्छा जी, अब इसको हम ऐसे ही जरा मिक्सअप कर देंगे, बीट कर देंगे, विस्क कर देंगे इनफैक्ट। ठीक है, नाउ द मसालाज विल गो इन। तो ये हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। मिक्स अगेन। फिर इसमें हम नमक भी शामिल कर देते हैं, चाहे तो थोड़ा सा धनिया अंदर डालिए, थोड़ा सा आप ऊपर के लिए रखिए। ये शिमला मिर्च है, बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च के बीज नहीं आए, ठीक है। और एक टमाटर है, चॉप कर दीजिएगा। और एक छोटी प्याज है। जो चीज़ें आप ऑमलेट में डालते हैं, जैसे आप बनाते हैं आप ऑमलेट, उस तरह। अब आपको इसको मिक्स कर देना है, हर चीज़ मिक्स। थोड़ा सा इसको बैटर को हम पतला करेंगे दूध के साथ। 2 टेबलस्पून मैं पहले दूध डाल के मिक्स कर दूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो वील ऐड मोर। अच्छा, बहुत पतला भी नहीं कर दीजिएगा, वी डोंट वांट कि वो पूरा फैल जाए, ठीक है। वी वांट कि थोड़ा सा स्प्रेडेबल हो। मैंने यहाँ वॉफल मेकर को गर्म करने रख दिया है, हीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें मक्खन पिघला के यहाँ रख दिया है, उसको लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें, मक्खन लिया आपने, इसको भी बंद करते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ ऑमलेट का जो मिक्सचर है वो रख दिया। गोल चम्मच लेंगे, ठीक है, और उसको एक लेडल फुल, यानी कि एक बड़ा चम्मच फुल, गोल ऐसा चम्मच फुल करके फिर उसमें डालेंगे और ये बंद कर देंगे, बंद कर देंगे और फिर हम उसको होने देंगे। जब ये हो जाएगा तो खुद ही यहाँ ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तो पता चल जाएगा इट्स डन। यू कैन ऑल्सो लिफ्ट इट एंड सी इट। फिर एक ऐसे इस तरह का एक स्लाइसर लीजिएगा, उससे निकालिएगा, छुरी वगैरह नहीं मारिएगा, वरना क्या होता है कि ये जो वॉफल मेकर होते हैं उनके नॉन स्टिक जो वो होता है, स्टील प्लेट होती है ना, उनकी ख़राब हो जाती है। सो वी डोंट वांट दैट। ये देखें, हीट हो रहा है और ये मक्खन अगर टॉप कैमरा दिखा दे, थोड़ा ऐसे बबल भी हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वील पुट एक लेडल फुल, यानी एक चम्मच भर के, बहुत सारा नहीं चाहिए, खुद ही फैल जाएगा, इधर उधर इसको हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, अब आपको लगे कि ये स्प्रेड करना है आपने, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट बंद कर दें इसको। हम जैसे ही बंद कर देंगे ना, ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो बाहर आ जाएगा। ओके डन, ये आपका ऑमलेट वॉफल रेडी हो जाएगा इन नो टाइम, बस अब ये बंद कर दें, ठीक है। बिकॉज अगर मैं ज़्यादा भरूँगी तो बाज़ वक्त ये बाहर से आ जाता है। देखें, ये धुआं सा निकल रहा है और खुशबू आ रही है और ऑमलेट हमारा रेडी हो गया, देखा आपने दिस। बट आई नीड टू कुक इट जस्ट अनदर मिनट बस, और फिर अच्छा, अब आई जस्ट कट दिस अप बीच में से ऐसे। थोड़ा सा धनिया डाल के आप इसको बस सर्व कर दीजिएगा, एंड दिस इज योर स्पाइसी ऑमलेट वॉफल रेडी।